राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज को नियमित करने से संबंधित संशोधन बिल को बुधवार को संसद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके माध्यम से संबंधित कानून की समय सीमा को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा ने इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी थी और बुधवार को लोकसभा में यह पारित हो गया है। केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों की नारेबाजी के बीच निचले सदन में चर्चा के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कानून विशेष प्रावधान से जुड़ा दूसरा संशोधन अधिनियम 2021 विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया है। इस बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पहले की सरकारों ने दिल्ली की इन कॉलोनीज को नियमित करने में घोर लापरवाही बरती है। पुरी ने कहा कि जनता के बीच यह धारणा है कि कुछ राजनीतिक पार्टी के सत्ता में रहते हुए कॉलोनीज को नियमित करने में देरी की गई है। उन्होंने किसी दल का नाम लिए बगैर कहा कि इससे पहले किसी सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। पुरी ने बताया कि अगर कोरोना महामारी नहीं आती तो अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का काम काफी हद तक पूरा हो गया होता। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि साल 2011 से जुड़ा यह कानून पिछले साल 31 दिसंबर तक वैध था। इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वे 2047 तक दिल्ली को सिंगापुर जैसा बनाना चाहते हैं। चुनावों से पहले इसी तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण ये कानून लाया जा रहा है। इसी के साथ मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि अनऑथराइज कॉलोनीज को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।